राधावल्लभ श्रीहरिवंश, जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था कि अपने पति के अलावा पराए मर्दों से, पराए पुरुषों से संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए, वरना जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक महिला का बहुत ही अचंभित करने वाला सवाल आया हुआ था। ऐसा सवाल था कि रातों की नींद गायब हो जाए उसको पढ़ करके। एक महिला है जो कि बहू है, उनका प्रश्न ये था कि उनके संबंध उनके ससुर से हैं, क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, ससुर और बहू दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या इसमें भी कोई गलत है। इस सवाल को पढ़कर कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद लोगों में जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसीलिए तो मतलब लोगों को पता नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, इसलिए वो भटक जाते हैं गलत रास्ता। और ये तो ऐसा हो गया ना जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि प्यार ही तो किया है, गलत क्या है। सारे टीवी सीरियल मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वहीं से जो है गलत प्रेरणाएं मिलती है, इसी कारण से जो है हम भटक जाते हैं। उसी में तो दिखाया जाता है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, मतलब चाहे आप 50 साल के हो गए हो तब भी आप प्यार कर सकते हैं, कोई 18 साल की लड़की है वो बाप की उम्र से भी प्यार कर सकती है, या फिर आप अपने बच्चों को दो चार बाप दे दो, बच्चों का प्यार कुछ नहीं है, या फिर माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप का प्यार कुछ नहीं है, धर्म बदल लो, धर्म भगवान कुछ नहीं है, यानी कोई भी सीमा पार कर लो। अब सीरियल भी तो ऐसे आते हैं, जैसे अनुपमा का सीरियल है, 60 साल के हो गए फिर भी आप शादी कर सकते हो, एक नहीं चार कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं है ना कि अपना सुख अपनी खुशी तो देख ली, प्यार ही तो किया है, इसमें गलत क्या, ऐसा बताया जाता है टीवी सीरियल में। इसीलिए जो है लोगों की प्रेरणाएं मिलती हैं कि मतलब पता नहीं चल पाता है कि क्या सही है क्या गलत। अगर जानकारी होती, परिणाम पता होते तो शायद लोग गलतियां कम करते, क्योंकि देखिए जो आजकल की पढ़ाई, जैसे कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कक्षा 10 से ही विज्ञान में ये तो पढ़ाया जाता है कि स्त्री पुरुषों का संयोग संबंध कैसे बनाया जाता है, लेकिन किससे बनाना चाहिए किससे नहीं बनाना चाहिए पूरी पढ़ाई में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। कि चरित्र का क्या महत्व होता है वो हमें बताते हैं शास्त्र और ग्रंथ, उन्हें पढ़ने का समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन हम सीरियल और ये सब चीज़ें तो ज़रूर ही देखते हैं। और इसमें तो यही बताया जाता है कि प्यार ही तो किया है, इसमें गलत क्या। कुछ और भी महिलाओं के सवाल थे कि शादी के पहले का बॉयफ्रेंड था, शादी तो दूसरे से हो गई लेकिन अभी भी उस बॉयफ्रेंड से संबंध बनते हैं, तो क्या ये भी गलत है, क्योंकि उनका कहना है कि शादी गलत हो गई, प्यार तो पहले ही हो गया था, प्यार सबसे ज़्यादा पवित्र, जैसा कि टीवी सीरियल सब कुछ में बताया जाता है। सबसे बात अच्छी मुझे ये लगी, जैसे कई सवाल आए थे तो उन्होंने सवाल तो अपने रखे, ठीक है, बुराइयाँ हर किसी में होती हैं, जब अगर जानकारी ना हो तब तो बुराइयों के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अगर कुछ कड़वा बोल जाऊँ तो सभी बहनें मुझे माफ़ करेंगी, तो देखिए अपनी लालच को, अपनी लष्ट काम वासना को, अपनी गंदी आदत को, या फिर जानवर जैसी हरकत भी कह सकते हैं, इसको प्यार का नाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए फिर अगर जैसे कि सबसे पहला सवाल पूछा गया कि ससुर जी से संबंध है, अगर ऐसा हो तो फिर दुनिया में भाई बहन माँ बेटी पिता पुत्री ऐसा तो कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा ना, मतलब कुत्ते कुत्तियों जैसा हो जाएगा कि वो फिर पहचानते ही नहीं है कि कौन हमारा बाप है कौन जो है हमारा हमारी बेटी है, तो फिर तो ऐसे जानवर जैसा हो जाएगा। इंसानों में तो नियम है ना, इंसानों में पवित्रता है, ठीक है, सही और गलत है, नियम बनाए हैं कुछ भगवान ने। नियम क्या बनाए हैं कि जिसको आपको अधिकार दिया गया है, जिसका आपको लाइसेंस दिया गया है, उसके अलावा अगर आप किसी से संबंध बनाते हैं तो ये पाप की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। फिर चाहे शादी के पहले का प्यार हो या फिर किसी और रिश्ते में आप फंस गए हो, कोई भी संबंध, शारीरिक संबंध जो है वो पाप की श्रेणी में आता है। इसमें गलत क्या है आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे सरकार ने पुलिस को एक डंडा दिया हुआ कि आप चोरों को मारो, जो अपराध करते हैं उनको मारो और सुधारो, लेकिन वही पुलिस अपना वो डंडा जो है फल वालों को, सब्जियों वालों को मारे और कहे फ्री में सब्जी दो, तो वही सरकार डंडा छुड़ा के उसी पुलिस को अपने ही जेल में बंद कर देगी, ठीक है ना। यानी कि इसी प्रकार से भगवान ने जहाँ पर हमको लाइसेंस दिया है, जहाँ पर हमको अधिकार दिया, यानी पति और पत्नी के अलावा अगर आप किसी से भी संबंध बनाते हैं तो वो अधिकारों का हनन हो जाता है, वहां पे नियम भंग हो जाता है, वो पाप की श्रेणी में आता है, जो दुर्गति का कारण बनता है, भयंकर भयंकर दंड मिलते हैं। तो बहनों बचिए इस चीज से। यहाँ पे ये हम बात कर लेते हैं, जब भी हम भगवान का बनाया नियम तोड़ते हैं तो भगवान की सृष्टि की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, ठीक है। हर एक प्रकृति की चीज़ नियम में बंधी हुई है, अगर सूरज चांद अपना नियम ना माने, जब मन पड़े आएं जब मन पड़े जाएं, ठीक है, नदियाँ अपना अपनी मर्यादाओं में ना रहें तो हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगी, और सूरज चांद से हम ठंडी गर्मी से परेशान हो जाएंगे, पेड़ अपनी मर्यादाएँ छोड़ दें, एक दूसरे से ऐसे मिलने लगें, कुछ भी मतलब मर्यादाएं टूटी अगर, तो फिर सृष्टि का क्रम, सृष्टि की हर एक व्यवस्था बिगड़ने लगती है, जिससे बहुत लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से जो है अगर अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरों से संबंध बनाए जाते हैं तो भगवान की सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ती है, और इससे जो है वो दंड देते हैं। व्यवस्थाएं कैसे बिगड़ती हैं कि जब भी लोग नाजायज संबंध बनाते हैं तो वहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, वहाँ से संतान नहीं चाहते हैं। अब भगवान ने ये जो संबंध है स्त्री पुरुषों का, ये क्षमता जो है केवल और केवल संतान प्राप्ति के लिए बनाई हुई है, उस क्षमता का आपने गलत प्रयोग किया, गलत स्थान पर, तो सृष्टि का क्रम बाधित हुआ। उदाहरण से समझिए,
भगवान ने अगर आपको एक सेव दिया है, उसको बोला कि धरती में गाड़ो, पौधा बनाओ, वृक्ष बनेगा, लेकिन उस सेव को आपने चटनी बना के खा लिया या फिर किसी प्रकार से खा लिया, अपने सुख के लिए ले लिया, जो काम दिया गया था उसका नहीं किया, ठीक है, तो अब भगवान दंड तो देंगे ना, क्योंकि वो सेव का पौधा बड़ा होता तो जो है फल देता, ऑक्सीजन देता, छाया देता और मौसम को भी, वातावरण को भी जो है संतुलित करता, सृष्टि के क्रम में योगदान देता, सृष्टि के क्रम को बढ़ाने में जो है उस मदद करता, ठीक है, संतुलन बनाने में, लेकिन आपने उसको अपने सुख के लिए प्रयोग कर लिया तो इसका दंड जो है आपको भुगतना तो पड़ेगा। इसी तरह से भगवान ने जो है संबंध बनाने की क्षमता, स्त्री हो या पुरुष दोनों को, केवल संतान प्राप्ति के लिए, सृष्टि का क्रम आगे बढ़े, एक बच्चा पैदा होता है सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने में जो है योगदान देता है, तो वो क्षमता, क्योंकि अगर आप सही स्थान पे संबंध बनाते तो वहां पे एक बच्चा उत्पन्न हो जाता उस क्रिया से, ठीक है ना, जीवनी शक्ति आगे बहुत उसका फ्यूचर होता, तो वो आपने बाधित किया, इसका दंड जो है भगवान देते हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे भी अपने पति या पत्नी के अलावा संबंध बनते हैं तो साथी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, चाहे पत्नी हो या फिर पति हो, ठीक है, उसकी आत्मा मतलब उसकी हाय लगती है, एक तरह से श्राप कह सकते हैं, जैसे कि अगर किसी प्यासे को बहुत ज़्यादा पानी पिला दिया जाए ठंडा, तो अपने आप उसके आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगता है, वैसे जिसको धोखा दिया जाए तो साथी की आत्मा से अपने आप हाय निकलती, वो हाय ले डूबती है, कहते हैं ना किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात तो ये हो गई, तो जीवन की दुर्गति मतलब कैसी कैसी बीमारियों, कैसे कैसी चीज़ों से मतलब नष्ट हो जाता है जीवन, आगे हम चर्चा करेंगे। होता क्या है कि पारिवारिक संबंध जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, साथी जो भी है, पत्नी है या फिर पति, जो दुखी होता है उसका परिवार दुखी होता है, ठीक है, अगर पत्नी ऐसे जो है चरित्रवान नहीं है तो पति के जो है मतलब माँ बाप जो है परेशान होंगे, भाई बहन जो भी सुनेगा कि बहू ऐसी है दुष्चरित्र वाली, तो मतलब उनकी आत्मा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना दुख, कितना भयंकर पीड़ा। बच्चों के जो संस्कार बिगड़ते हैं वो अलग, ठीक है, अगर घर में बेटी हुई वो भी कल भागेगी दूसरों के साथ या फिर दो चार पति करेगी, आगे संस्कार बिगड़ ही जाते हैं। अगर बेटा है वो भी बहू को भगाएगा, ये दो चार लाएगा किसी भी जाति की, किसी भी मतलब किसी भी रिश्ते नाते को नहीं देखेगा, घर में ही जो है वो भी मतलब अपनी ही बहन से भी हो सकता है, मतलब संस्कार एक बार बिगड़ जाए, नींव एकदम एक बार बिगड़ जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो भगवान की बिगड़ने लगती हैं, बच्चों का संस्कार ही बिगड़ने लगता है जब माता पिता के शरीर के अंदर जो परमाणु होते हैं वो अपने आप जो है बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। देखते हैं ना आप कि किसी बच्चे में जो है सिखाया भी ना जाए फिर भी माँ बाप की आदतें अपने आप बच्चों में रहती हैं, कभी कभी देखा जाता है, तो क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके परमाणु अपने आप जो है बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, आप उन्हें अच्छी बातें सिखाएं या ना सिखाएं, ठीक है, एक चरित्रहीन माता के बेटे या फिर बेटियां वो चरित्रहीन ही निकलते हैं, बहुत मतलब 10% कोई सही निकल जाए या फिर उनको समाज ताना देता है, तो इस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं कि घर परिवार बच्चे सब में अशांति और जो है दुख का कारण बनता है, तो वो आपको ले डूबता है और भगवान की भी नाराजगी। कुल मिलाकर के भगवान नियम तोड़ने का दंड देते हैं जो उन्होंने बनाया हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात और भी ये है, जैसे मुझे कमेंट आते रहते किसी भी व्रत पूजा पाठ के जो वीडियो होते हैं उसमें कहते हैं कि हम बहुत पूजा कर लिए, बहुत व्रत पाठ कर लिए, मंत्र जप, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, भगवान हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं सुन रहा, शायद भगवान है ही नहीं, ऐसी अश्रद्धा हो जाती, तो क्यों नहीं सुनता भगवान? इसीलिए नहीं सुनता कि भगवान को जो है जैसे कहा गया है चौपाई में कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल और कपट नहीं प्रिय होता है, तो आप मलिनता भरा हृदय, काम वासना लष्ट, एक तरफ से जो है पाप कर रहे हैं, पति से धोखा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पूजा पाठ, फिर आपकी प्रार्थनाएं भगवान कभी नहीं सुनेंगे, कोई असर नहीं पड़ता, भगवान फिर पत्थर ही बन जाते हैं आपकी प्रार्थना, क्योंकि कहा गया है भगवद गीता में, भगवान ने कहा है जो लोग एक तरफ पाप करते हैं दूसरी ओर मेरी पूजा करते हैं, उनके द्वारा की गई पूजा पाठ राख में किए गए हवन के समान, राख में किए गए हवन के समान ही फल भी देते हैं, यानी कि कोई मतलब नहीं है जीवन में, अगर कोई समस्या आएगी ना तो आप हाथ जोड़कर भगवान के सामने मुंह लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं, पत्थर ही बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि कभी बच्चों के लिए समस्याएं आ जाती हैं, कभी लोग ही बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है भगवान ये पीड़ा दूर कर दो, ये बीमारी ठीक कर दो, मतलब बहुत सी समस्याएं हैं ना, हम भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं भगवान दूर कर दो, लेकिन फिर भगवान का प्रार्थनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई व्रत पूजा पाठ कितना भी कर लो फिर कुछ नहीं। सजाएं क्या क्या मिलती हैं, देखिए नरक के बाद तो हम बाद में करेंगे दूसरे जन्मों की बात, क्योंकि लोग फिर कमेंट करने लगते तू मर के वापस आए क्या, ऐसे भी कई लोगों ने गालियां भी सुनाई महिलाओं ने कि तू सती सावित्री बनती है, ठीक है ना। इसी जन्म की दुर्दशा का बात हम बताते हैं, क्या होता है कि भगवान सजा के रूप में जिन अंगों का आप सुख चाहते थे ना, उसी अंगों पर जो है भयंकर बीमारियां, यानी बवासीर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, लकवा जैसी बीमारी, आंखों देखी बता रही हूँ, जिन अंगों का सुख चाहते थे लोग उसी में कीड़े पड़ रहे हैं, उसी में मच्छर मक्खियां लग रहे हैं, कोई खाने को नहीं दे रहा, पीने तक को पानी मतलब
तड़प तड़प के मरते लोगों को देखा है, तो इसलिए जो है, क्योंकि वो संस्कार भी बच्चों पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसी तरह से वो तड़पाते हैं भोजन पानी देकर। मतलब पवित्रता नाम की चीज़ जब है ही नहीं, पहले से ही नहीं है, तो फिर बाद में क्या ही बोलें, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारियों से, एक हम मतलब सफ़र से आ रहे थे ट्रेन में, एक आदमी क्या था कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया, तो उसके कमर के नीचे का हिस्सा पूरा मतलब डैमेज हो गया, ठीक है, नुकसान पहुंच गया कमर के नीचे के हिस्से का। तो मतलब सोचिए ना कैसे उसकी ज़िंदगी, ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है, पूरा कमर के निचले का हिस्सा बर्बाद हो गया, तो मतलब ना पॉटी जा सकते हैं ना कुछ, हिल डुल नहीं सकते, तो कितना भयंकर भगवान परिणाम देता है। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ भगवान कल्पना हम नहीं कर सकते, ऐसे दंड देते हैं, ऐसे मतलब नरक बना देते हैं जीवन, ठीक है, कि मरने की भीख मांगना पड़ता है, और मानसिक तौर पर भी परेशान करते हैं। आज जो लोग सुखी दिख रहे हैं, भले ही दिखते हैं महिलाएं भी या फिर कोई भी, लेकिन कल उनकी दुर्दशा निश्चित है। भगवान को ऐसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि कोई अच्छा करे तो उसको बुरा परिणाम मिलता ही रहे मिलता रहे, ऐसा नहीं होता। एक दिन जो है जो बुरा करते हैं उनकी दुर्गति होनी ही है, और ऐसी दुर्गति होगी कि भीख मांगेंगे ना जीते जी। भगवान उनको जी आता भी बहुत है, उनकी आयु भी लंबी कर देता है, जीते जी नरक बना देता है। जैसे कि अश्वत्थामा जी को भगवान ने श्राप दिया था कि नहीं मरोगे तुम, और पूरे शरीर में कोढ़ जैसा एकदम मतलब घाव के घाव, ऐसा उनको श्राप दिया था कि कई वर्षों तक जीवित रहोगे, और मतलब रोग भयंकर रोग जो पूरे सह पूरे शरीर में दुर्गंध और पीड़ा, किसी कोई देखेगा तो थूकेगा, मतलब ऐसा रूप भी है। तो ऐसे भगवान जो है मतलब जिंदगी बना देते हैं जीते जी, ये बात हो गई। मरने के बाद कहा गया है ग्रंथों में कि जो है नरक की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, भूत प्रेत की योनि मिलती है। अभी जो आपने इस जन्म में धोखा दिया, अगले जन्मों में भी वही धोखा सेम आपको मिलने वाला है, वो लिखित हो जाता है, ठीक है। अब कई लोगों ने जैसे कमेंट करके कहा कि क्या तुम जानती हो मर के वापस आई हुई अगले जन्म या फिर मरने के बाद क्या होता है। जैसे कि हमने यातना देह की बात करी थी जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो लोग ऐसा पाप करते हैं उनको ऐसा शरीर दिया जाता है कि वो बार बार काटा जाता है और दर्द पा करके वापस वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो जिन अंगों का लोग सुख चाहते थे उनको चिमटों से नोचा जाता है, गर्म चिमटे जो है स्पर्श कराए जाते हैं, चाकू से काटा जाता है, दर्द सहते हैं, फिर वापस से वो जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्त्री पुरुषों को लोहे के गर्म पुरुष या स्त्री से जो है संयोग कराया जाता है। ये सब चीज़ें वर्णन मिलती हैं, तो हम बता रहे थे, तो लोगों ने कहा मर के क्या वापस आई हो, तो हम इस तरह से जो है इसको बताना चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ें समझ में आती है। देखिए जो नासा के वैज्ञानिक हैं या कोई भी वैज्ञानिक जो 100-200 साल बाद करते हैं ना, बताते हैं कि इस दिन जो है सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, ये नक्षत्रीय स्थिति होगी, वो हमारा 45 रुपये का कैलेंडर मतलब तुरंत ही बता देता है, मतलब कुछ लाइनों में ही बता देता है। इतनी ऋषि मुनि हमारा महान ग्रंथ है, ऋषि मुनियों की जो पद्धतियाँ विधियाँ हैं वो इतनी महान है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विज्ञान आज तक जो है आत्मा का पता नहीं बता पाया कि वो कहाँ पर रहती है, ठीक है। पता सबको है कि आत्मा है शरीर में तभी जीवित है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ पर आत्मा रहती है किसी को भी, चाहे सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो, कोई भी मशीन जो है आत्मा को नहीं देख पाए ना बता पाए हैं कि कहां पे रहती है। लेकिन उड़ जाती है जब आत्मा तो लोग कह देते हैं हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, शरीर पूरा स्वस्थ है लेकिन कुछ नाम तो देना ही है, तो ये दे दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर के जीव तत्व कहां है वो विज्ञान नहीं बता पाया। तो इसके बारे में किसने बताया, आत्मा के बारे में ग्रंथों और शास्त्रों ने, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और भी है कि देखिए एक बच्चा जो जन्म लेने वाला होता है वो एक भिखमंगों के यहां कोई पैदा होता है और कोई बहुत अमीर के यहां पैदा होता है। किसी को रोटी नसीब नहीं है, किसी को जो है बहुत मतलब रोटियां बांटने के लिए भी है, सब कुछ है। तो उस छोटे से बच्चे ने अभी कौन सा कर्म कर दिया, कहीं ना कहीं पिछला हिसाब किताब तो होता है ना, तब ना कोई बच्चा अमीर के यहाँ जन्म ले रहा, कोई गरीब के यहाँ जन्म ले रहा, तो पिछला हिसाब किताब मिलता है, इसकी चिंता करिए और गलत कामों से बचिए। तो ये चोरी छुपे वाला प्यार, कुछ मिनटों के प्यार से बचिए, क्योंकि देखिए 10 मिनट का संबंध और ये पाप की श्रेणी में शामिल हो जाता है, इसका दंड कई वर्षों तक अगले जन्मों तक भूत प्रेत की योनि में भी मतलब भुगतना पड़ता है और दुर्दशा हो जाती है, ठीक है। तो इन पापों से बचिए और इसको प्यार का नाम मत दीजिए, क्योंकि प्यार को संबंधों की जरूरत नहीं होती। देखिए माँ बेटी का प्यार होता है, पिता पुत्री का प्यार होता है, भाई बहन दोस्त दोस्तों का प्यार, देखिए ना दोस्त दोस्त को क्या शारीरिक संबंध की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं। अगर एक दोस्त का फोन आ जाए तो पत्नी की भी नहीं सुनेगा, खाने की थाली भी छोड़ देगा, दोस्त के प्यार के लिए चला जाएगा कि दोस्त ने बुलाया। दोस्ती के लिए तो लोग प्यार ही तो है ना, कि दोस्ती के लिए लोग अपराध भी कर देते हैं साथ साथ में, दोस्ती के लिए माँ बाप से भी झूठ बोल देते हैं दोस्त, तो क्या उनमें शारीरिक संबंध होते हैं? जो समलैंगिक नहीं होते दोस्त, दो लड़के उनमें जो है शारीरिक संबंध नहीं होते, फिर भी इतनी मित्रता, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये भी प्यार। तो जो है थोड़े समय में समाप्त हो जाने वाले प्यार से बचिए और एक स्थायी प्यार के बारे में जानिए। स्थायी प्यार भगवान का ही होता है केवल और केवल, ठीक है। तो घर में भगवान की विग्रह सेवा जरूर विराजमान करिए। मैं कुछ चैनल के नाम बताती हूँ, मेरो वृंदावन और मेरा वृंदावन, देखिएगा कैसे लोग जो है भगवान को अपना पति मानती हैं, अपना प्रेमी मानती हैं, और वो यकीनन चमत्कार के रूप में मतलब अनुभव कराते हैं कि वो साथ में हैं, रोज लीलाएं, रोज चमत्कार होते हैं। एक बात देखिएगा तो सही कि कैसे भगवान आनंद दिलाते हैं और प्रेम का अनुभव कराते हैं कि हाँ सच्चा पल पल मदद करते हैं हर समस्याओं में,
ठीक है ना। तो उसको पहले देखिएगा और इस सच्चे प्रेम में पढ़िए। इस सच्चे प्रेम को कैसे पाया जा सकता है, सबसे पहले नाम जप करना है, सत्संग सुनना है। भजन मार्ग चैनल पर आप जो है सत्संग सुन सकते हैं, और मेरे वृंदावन ये चैनल जरूर देखिएगा। विग्रह सेवा की जानकारी होगी, कैसे विग्रह सेवा की जाती है, प्यार किया जाता है। अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं तभी जो है विग्रह विराजमान करके उनको भोग लगाया जा सकता है, वरना फिर छवि सेवा विराजमान करिएगा, यानी फोटो, ठीक है। एक बार भगवान से प्रेम करके देखिए, हर समय झाड़ू पोछा बर्तन करते समय आप नाम जप कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक खास जो है लाभ मिलता है नाम जप से, कि जैसे अगर किसी को लग रहा है कि वो बुरी आदत नहीं छोड़ पा रही हैं और पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा उनका आकर्षण है, तो वो नाम जप अगर करें तो नाम जप से बुरी आदतों को छोड़ने का बल मिलता है। भगवान ऐसी शिक्षाएं, ऐसी प्रेरणाएं देते हैं, या फिर गलत कामों को करने से अपने आप रोकने लगते हैं, वो बाधाएं देते हैं कि आप फिर गलत कामों के आगे जो है आपको घृणा आने लगे, घिन लगने लगे कि मैं क्या कर रही थी, ठीक है ना। तो ऐसे भगवान मतलब दिमाग में प्रेरणाएं देने लगते हैं, उन चीज़ों से बिल्कुल आपको स्वाद आना ही हो जाएगा, ऐसा होता है। तो नाम जप करिए, उससे बल मिलेगा आपको बुरी आदतों को छोड़ने का, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी मिलेगी। जैसे कि अगर आप एक बार संकल्प ले लेते हैं कि अब मैं ये गलत काम दोबारा नहीं करूंगी, फिर भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो फिर भगवान क्षमा कर देते हैं और उनकी भक्ति आप कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं। लेकिन आपने संकल्प ले लिया कि मैं नहीं करूंगी, फिर से आपने वही गलती करी, दूसरों से शारीरिक संबंध बनाया, फिर जो दंड मिलेगा उसकी कल्पना करना मतलब मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह से मैंने नाम जप कैसे करते हैं, क्या विधि है, या फिर भक्ति की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य की अलग से वीडियो, एक बार जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।